From the present and plans for the future. It interprets. अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग है सब ठीक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको भी ठीक रखे हंसता मुस्कुराता रखे आमीन तो जी जनाब यहाँ पे जिस सुबह का टाइम और बच्चों को मैं छोड़ आई थी वो स्टार्ट में आपको दिखा रही थी कि आज सर्दी काफ़ी थी तो मैंने ग्लव्स भी आज पहन लिए थे आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे <laughs> और यहाँ पे ये देखें जी नाश्ता मेरा हेल्थी सा नाश्ता बिल्कुल रेडी है इससे पहले हुसैन मेरे पास बैठे हुए नाश्ता अपना इन्जॉय कर रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों को अपना नाश्ता मैं शेयर कर देती हूँ कि आज मैं क्या खा रही हूँ आप लोगों को वैसे हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन कोई भी सपोर्ट और कोई भी सब्सक्राइब और कोई भी लाइक नहीं करता पहले जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे थे ना अब वो भी नहीं आ रहे अब मेरा चैनल ऐसा लगता है जैसे पहले ऋण की कोशिश कर रहा था अब तो लगता है कि जगह बैठ ही गया है जम ही गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर थोड़ा सा लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें इससे पहले कि मैं डिसहार्ट होकर तो चैनल बंद कर दूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दें अगर आप लोग मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो खैर यहाँ पे हमारा फ्रूट भी रेडी हो गया था जो कि अनार थे और ग्रे फ्रूट था आज मैंने निकाला तो मैंने कहा ये बेचारा मोटा सा ग्रे फ्रूट काफी दिनों का पड़ा हुआ है कि इसको भी आज इसका भी क्या कहते हैं काम तमाम तो कर लेती हैं तो यहाँ पे लंच का टाइम हो गया है तो लंच में मुझे आज कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या बनाऊँ सब्जी थी नहीं घर में तो आज जाके गोश्त और चिकन ही होता है तो यहाँ पे मेरे पास है जी मटन का कीमा तो मैंने कहा चलो आज मटन का कीमा बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है जी मटन का कीमा और इसको पहले थोड़ा सा बॉयल करूँगी क्योंकि ये फिर आप आपको मटन है ना तो फिर वैसे दो तरीक़े से बना सकते हैं लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है कि मैंने ना फिर कीमे को पहले सिर्फ नमक डाल के और साबत काली मिर्च डाल के ना इसको ना बॉयल कर लिया था थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला था तो उसके बाद है फिर मैंने एक, एक एक्स्ट्रा से कढ़ाई ली है तो इसके अंदर अब हम डालेंगे जी ऑयल आधा कप के करीब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर और जैसे ही ना हमारा ऑयल जो है हल्का सा प्रीट होगा तो हमने इसके अंदर ना कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं जिसमें एक मोटी इलायची है सात से आठ अद साबत मिर्चें हैं और एक सिनमन की स्टिक्स है और दो तीन लौंगे हैं ये सब डाल के ना हल्का सा बस कड़कड़ाएंगे इस ऑयल के अंदर इसको हमने ना इस मसालों को ना ऑयल के अंदर जलाना बिल्कुल भी नहीं है जस्ट जस्ट चंद सेकंड के लिए हमने कड़कड़ाना कर है और फिर हमने इसके अंदर डाल देने प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और मैंने इसको चॉप बरी बिल्कुल फाइन चॉप किया है तो वो डाल देंगे और प्याज को हमने ना लाइट गोल्डन ब्राउन करना है बिल्कुल डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो हमने इसके अंदर डाल देना लहसन अदरक का पेस्ट अगर पेस्ट है तो पेस्ट डाल दें जब फिर चॉपर में डाल के चॉप करके डाल दें तो मैंने भी चॉपर में डाल के ना इसको चॉप किया था लहसन अदरक और हरी मिर्च को तो वो डाल देंगे और इसको भी जस्ट टू मिनट के लिए फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर जैसे ही लहसुन अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हमने इसके अंदर डाल देनी है जी कुछ स्पाइसी स्पाइस वही रूटीन वाले जो कि हमारे देसी खाने में डलती हैं वन टेबल स्पून रेड मिर्च का पाउडर है और वन टेबल स्पून ही पिंक नमक है हाफ टी स्पून के करीब हल्दी है और वन टेबल स्पून मेरे पास है, भुना कुटा हुआ जीरा है ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले की और जैसे ही इसके अंदर ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा ना किनारों से तो अच्छे से बुनाई करने के बाद तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना दही दही आज मेरे पास थोड़ा पतला वाला था अगर आपके पास थिक वाला है तो ज्यादा अच्छी बात है तो वो डाल देंगे और इसको अच्छी सी बुनाई कर लेंगे उस टाइम तक अच्छी खासी इसकी बुनाई करेंगे जब तक ऑयल जो है ना वो किनारों से सेपरेट ना हो जाए तो आपको मेक श्योर sure हो जाए कि मसाला अच्छे से बुन चुका है और जो आयल है किनारों से सेपरेट हो चुका है तो हमने इसके अंदर डाल देना है बॉयल किया हुआ कीमा मटन का कीमा अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो चिकन को तो खैर बॉयल करने की जरूरत नहीं है तो मटन का कीमा हमने बॉयल इसको जस्ट कर लिया था तो वो डाल देंगे और फिर कीमा डाल के अच्छी खासी बुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले और मसाला इसके अंदर अच्छा सा रच बस जाए जब कीमा अच्छे से बुन जाएगा तो हमने इसके अंदर डाल देने है, जी बॉयल किए हुए चने अगर आपके पास बॉयल किए हुए हैं तो अच्छी बात है मैं यहाँ पे आज एक कैन के वाले चने यूज़ कर रही हूं ये वाले कैन वाले चने हैं ना बहुत ही टेस्टी हैं ये इस कंपनी के इसलिए मैं आप लोगों को शो करवा रही थी इसका डिब्बा कि अगर आप लोगों ने भी लेने हैं तो ज़रूर लें ये बहुत मजे और टेस्टी बनती हैं ये वाले चने ना किस तरह भी बनाएं इसको तो खैर इसके अंदर मैंने डाल दी है क्योंकि जो बॉयल थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तो हमने बस इनकी ना दो तीन मिनट तक बनाई करने के बाद इसको ना कवर आप कर देना है ताकि तो लीजिए जनाब यहाँ पे हमारे मज़ेदार टेस्टी सा कीमा मटन का कीमा और चने बन के रेडी हो गई हैं तो अब हमने लास्ट में बिल्कुल ऐसा करना है कि इसके अंदर डालना है जी हरा धनिया और हरी मिर्चें और वैसे मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर भी डालनी थी आपकी मर्ज़ी आप ऊपर से डालें ना डालें वैसे अच्छी लगती है अगर डाल दें तो ये वाला कीमा जो है ना पराठे के साथ बहुत मजे का लगता है रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा साथ में रायता और सलाद हो तो क्या ही बात है तो खैर यहाँ पे अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि खैर है देखिए जी कीमा हमारा कितना मजे का और टेस्टी सा बन के रेडी हुआ है तो इतने में हुसैन भी आ गए थे खैर उनके लिए मैंने दो ही रोटियां बना दी थी क्योंकि मेरे पास आटा कम था ना तो इस वजह से फिर मैंने बाकी आटा गूँध लिया था बिहाइंड दी कैमरा लेकिन उसको थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगना था तो मैं उसको रख के चली गई थी तो मैंने कहा बाकी आके बनाऊंगी रोटियाँ तो ये लें जी माशा से माशाला से देखिए कितना मज़े का टेस्टी सा कीमा हमारा बन के रेडी हुआ है और साथ में है जी लीमू और हल्का फुल्का सा सैलेड ये देखिए माशाला इससे पहले भी मैं ना कीमे की एक दो रेसिपीज ऑलरेडी बना चुकी हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल है तो मैं इसका ना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल आप वहाँ से भी जाके देख सकती हैं कि किस तरह से और वैरायटी के साथ आप कीमे को बना सकती हैं मटन के कीमे को या फिर चिकन के कीमे को तो यहाँ पे ये देखें ये माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा है ना वाकई अगर दोपहर में ऐसा कीमा मिल जाए और साथ में ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश बटर लगाई रोटी मिल जाए तो क्या ही बात है मजा आ जाता है वैसे लंच करने का ना और यहाँ पे हुसैन भी आ चुकी हैं तो ये आज थोड़ी सी ग्रोसरी लेके आए थे तो कहेंगे बाजी तुम्हें तो हर टाइम ग्रोसरी विखाते रहते हो तो ये क्या करूँ फिर माशाल्लाह से बच्चे हैं फैमिली है तो ग्रोसरी तो लानी होती है ना एवरी डे तो खैर यहाँ पे हुसैन फ़िश लेके आई हैं तो फ़िश जे जो अक्सर ही मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं कि आप लोग कौन सी फ़िश इस्तेमाल करते हैं तो खैर ये वाली जो आज फिश हुसैन लेके आई ये वाली तो हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते ये हुसैन फर्स्ट टाइम ले के आई हैं तो ये पूरे फिले बने हुए हैं तो स्किन वाली है तो मैं कह रही थी आए हाय स्किन वाली बच्चे कैसे खाएँगे तो खैर अब ले आई हैं तो अब इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना तो आप लोगों को भी ये इसलिए दिखा रही हूँ कि अगली अगली आने वाली वीडियो में जब फिर आगे जो भी मैं रेसिपी बनाऊँगी तो इन फिश से बनाऊँगी तो आप लोग देख लें मेक श्योर sure कर लें कौन सा हम लोग फिर कौन सी फिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने मुफ्त पैकेट्स बना के रख दिए जितनी हमें चाहिए थी उस हिसाब से फिर निकालती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी तो यहाँ पर जी उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए तो बारिश जो थी मैं थम चुकी थी आज वैसे सारा दिन बारिश थी लेकिन अभी फिलहाल रुकी हुई थी तो यहाँ पे बच्चे फिर बारिश के बाद खेलने लग पड़े थे तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बेंच पे बैठ जाती हूँ उसके बाद फिर हम लोग आए घर गार और घर आके फिर मैंने दोबारा से रोटी बनाई अपने लिए हिरा और ईमान के लिए माँ और उर्वा का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वैसे भी वे ये रोटी इस टाइम कम ही खाती हैं क्योंकि लंच लेके जाती है ना तो इस वजह से फिर तो यहां पे जी मेरे बाजों और आज मुझे वक्त डाला हुआ है जी मेरे बाजों की चल रहे हैं ना है, इन्होंने मुझे वक्त डाला है वैसे मेरी रोटी भी सही नहीं बन रही थी तो मैंने कहा ये ले जी हाल तो खैर ऐसे तैसे करके मैंने बनाई फिर रोटी यहाँ पे और उसके बाद फिर किया हमने एंजॉय अपना लंच तो ये वाले जो क्लिप्स हैं ना ये उस दिन के जिस दिन ईमान फातिमा जा रही थी कि अपनी स्पीच करने के लिए अवार्ड लेने के लिए तो खैर यहाँ पे वो मुझे एक दफा घर में बढ़ के सुना रही थी तो तो यही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड और आप लोगों से लेती हूं इजाजत अच्छा खाएं हेल्दी खाएं हमेशा अपनी दुआओं याद रखिएगा मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज